ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं NMFS। वक्त बदलने के साथ साथ देश की सेना पहले से ज्यादा ताकतवर होती चली जा रही है। दुश्मनों के दिल में खौफ पहले से ज्यादा बढ़ गया है और अब आने वाले समय में भारतीय सेना पहले से ज्यादा ताकतवर और आधुनिक हथियारों से लैस हो जाएगी। इस आधुनिक हथियार के नाम से ही दुश्मन खौफ खाने लगे हैं। दुश्मन के दिलों में दहशत पैदा करने वाले इस हथियार का नाम है AK-203। दुश्मन की नसों में खून की रफ्तार को रोक देने वाला यह हथियार रूस का है, लेकिन अब यह हथियार भारतीय सेना का भी हिस्सा बन चुका है। बता दें कि आज यानी सोमवार को भारत और रूस के बीच अहम करार हुआ है, जिसके तहत 5 लाख AK-203 राइफल्स का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा सौदे की तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। भारत ने AK-203 निर्माण को एक राइफल श्रेष्ठ राइफल की टैगलाइन दी है, क्योंकि ये दुनिया भर में प्रचलित रूस की सभी राइफल्स में सबसे बेहतरीन गन में से एक है। अमेठी के पूर्ववर्ती कोरबा OFB प्लांट में इन 5 लाख असॉल्ट राइफल्स का निर्माण होगा। इसके लिए दोनों देशों ने एक नई कंपनी तैयार की है, जो इंडिया रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। ये पूरा रक्षा सौदा 5100 करोड़ रुपए का है। AK-203 राइफल दुनिया की सबसे घातक हथियार है। AK-47 का सबसे आधुनिक संस्करण है। अमेठी की फैक्ट्री में 7.5 लाख राइफलें बनाई जाएंगी। AK-203 सेना में भारत की स्वदेशी राइफल इंसास की जगह लेंगी। खैर, आपको यहां बता दें कि AK-203 राइफल सेना के बेड़े में शामिल होते ही भारतीय सेना की टेंशन दूर हो जाएगी। बता दें कि भारतीय सेना इंसास राइफल का इस्तेमाल करती आ रही है। आपको यहां बता दें कि इंसास राइफल को DRDO ने बनाया था। कई सालों से भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्स इंसास राइफल का विकल्प खोज रही थी। आइए ये भी समझाते हैं कि आखिरकार इंसास राइफल के इस्तेमाल से किस तरह की समस्या आ रही थी। इंसास चलाते समय बीच बीच में जाम हो जाता है। 3 राउंड के बाद राइफल ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। राइफल चलाने वालों की आंख में तेल चली जाती है। 1999 के कारगिल युद्ध में सैनिकों के इंसास जाम हो गए थे। सैनिकों ने मैगजीन के टूट जाने की शिकायत की थी। ठंड के वक्त यह समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। AK-203 असॉल्ट राइफल सबसे आधुनिक और घातक राइफल है। 7.62x39mm कैलिबर वाली AK-203 राइफल 3 दशक पहले शामिल इंसास राइफल की जगह लेंगी। ये असॉल्ट राइफल घुसपैठ और आतंकवाद रोधी अभियान में भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाएंगे। आपने ये तो समझ लिया कि इंसास राइफल के इस्तेमाल से किस तरह की समस्या आ रही है। आपको यहां बताते हैं कि AK-203 राइफल 500 मीटर की दूरी पर ही दुश्मन को खत्म कर देगी। AK-203 राइफल AK-47 सीरीज का एडवांस वर्जन है। राइफल का नाम AK-103M था, बाद में इसे बदलकर AK-203 कर दिया गया। इसकी मैगजीन में 30 गोलियां आएंगे। यह 500 मीटर के दायरे पर 100% वार करेगी। इंसास राइफल की तुलना में बहुत ज्यादा हल्की और छोटी है। AK-203 राइफल में पीकेटिनी भी है।
इंसास ने 5.56x45mm कैलिबर की गोलियों का इस्तेमाल होता है। AK-203 राइफल 7.62x79mm की गोलियां दागेंगी। AK-203 राइफल से एक मिनट में 600 गोलियां मारी जा सकेंगी, यानी एक सेकेंड में 10 गोलियां निकलेंगी। ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरह से प्रयोग किया जा सकेगा, जिससे दुश्मन का सफाया करना आसान होगा। जैसा कि इंसास राइफल में जाम होने की समस्या आ रही है, वैसी समस्या AK-203 राइफल में नहीं आएगी। इस राइफल में खास बात यही है कि यह कभी जाम नहीं होगी। ठंडी, गर्मी, बारिश, यानी हर एक मौसम में ये राइफल काम करने में सफल साबित होगा। चलते चलते आपको बताते चलें कि 30 से ज्यादा देशों ने इस रूसी राइफल AK-203 को बनाने का लाइसेंस लिया है। इस राइफल को बनाने में ज्यादा शेयर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का होगा। इसमें ऑर्डिनेंस के शेयर 50.5% है, जबकि रशिया की कंपनी को 49.5% शेयर दिए गए हैं। योजना के अनुसार 20,000 राइफल्स सीधे रूस से लाई जाएंगी और फिर भारत में 5,00,000 से अधिक का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना रोजगार भी पैदा करेगी और रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान को जोड़ेगी। बहरहाल, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। अब कोरबा की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दुनिया की सबसे आधुनिक उन बंदूकों में से एक AK-203 कलांस्कोव राइफलों की सीरीज का सबसे नवीन हथियार ये हमारे अमेठी में बनाया जाएगा। ये राइफल है रूस और भारत का एक ज्वाइंट वेंचर मिलकर बनाएगा। थोड़ी देर पहले हमारे देश की पहली रक्षा मंत्री निर्मला जी ने रूस के राष्ट्रपति जी का संदेश भी यहां पढ़ा है। मैं अपने और भारत के बहुत करीबी दोस्त राष्ट्रपति पुतिन का इस साझेदारी के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये ज्वाइंट वेंचर बहुत कम समय में उनके सहयोग से संभव हुआ है। उनके मित्रतापूर्ण संदेश और शुभकामनाओं के लिए भी मैं राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बहुत आभारी हूं। साथ ही इस ज्वाइंट वेंचर से जुड़े रूसी मित्रों को भी मैं धन्यवाद और बधाई और इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं।